तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच होने वाले सेकेंड T20 मैच के बारे में। फर्स्ट T20 मैच जो कि बांग्लादेश ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने नाम किया था, बट सेकेंड T20 में क्या न्यूजीलैंड वापसी करेगा या फिर बांग्लादेश कंटिन्यू अपने जीत के रथ में सवार रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में। कौन सी टीम होगी विनर, टॉस विनर, मैच विनर, सारा मैच का प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट क्या कहती है और साथ ही टॉप 5 परफॉर्मेंस जो कि आपको डीम 11 टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो तो इसी मैच में जैकपॉट एंट्री के लिए, इसी मैच में सेशन के लिए, इसी मैच में टॉस अपडेट के लिए और साथ ही ड्रीम 11 टीम पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक में क्लिक करते ही आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाओगे और डेली वहां पे अपडेट मिल जाएगा, फ्री में आपको डेली प्रॉफिट होने वाला है। तो देर मत करिए, टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों डेट की। तो पहले मेरी डेट की बात करूं तो दोस्तों 29 दिसंबर आज की डेट रहने वाली है और साथ ही लकी नंबर रहेगा आज का जो है दोस्तों वो 2। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दिन की, तो दिन है शुक्रवार। पहले बात करते हैं टीम बांग्लादेश की, इनका जो है दोस्तों स्वामी शुक्र है पॉजिटिव पॉइंट, इनका लकी नंबर 6 है, इनको जाएगा दोस्तों नेगेटिव पॉइंट। यदि बात करते हैं दोस्तों कैप्टन की, तो बांग्लादेश की कैप्टनसी करेंगे नजीबुल्ला सैंटो, इनका मंगल स्वामी है, अगेन यहाँ पे इनको जाएगा दोस्तों नेगेटिव पॉइंट, लकी नंबर इनका है दोस्तों 7, अगेन जाएगा इनको पॉजिटिव पॉइंट। यानी कि टीम बांग्लादेश के पास में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है। यदि बात करते हैं दोस्तों टीम न्यूजीलैंड की, इनका है दोस्तों यहाँ पे मंगल स्वामी नेगेटिव पॉइंट, लकी नंबर यहाँ पे इनका 6 है, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट जाएगा, सॉरी इनका लकी नंबर 5 है, अगेन यहाँ पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। यदि बात करते हैं कैप्टन मिचेल सेंटनर की, इनका है सूर्य स्वामी नेगेटिव पॉइंट, इनका लकी नंबर है यहाँ पे 5, अगेन जाएगा पॉजिटिव पॉइंट। यानी कि टीम न्यूजीलैंड के पास भी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, यानी कि दोनों ही टीमें का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रह सकता है, बट कहीं ना कहीं जो टॉस विनर है वो आपको टीम बांग्लादेश टॉस जीतते हुए दिखाई दे सकती है। यदि बात करते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट की, तो पहले बात करते हैं ग्राउंड की, तो ओवल माउंटेन यहाँ पे मैच होने वाला है बे ओवल में। यहाँ की पिच क्या कहती है कि यहाँ पे 67% पहली बात तो बारिश के चांस है, यानी कि यहाँ पे बारिश आ सकती है, बारिश इस मैच में डिस्टर्ब कर सकती है। फिर भी यहाँ पे यदि हम बात करते हैं और एवरेज स्कोर 168 का है, 243 यहाँ ऑलरेडी बन चुका है, हाई स्कोरिंग गेम्स यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे 147 भी चेज हुए हैं केवल 10 ओवर में। लेकिन यहाँ यदि बात करते हैं तो बैटिंग फर्स्ट अधिकतर मैचेस जीत जाती है, यानी कि समझ लीजिए कि 54% जो मैचेस है वो बैटिंग फर्स्ट की टीम जीतती है। और आज भी शायद बैटिंग फर्स्ट जो टीम करे बोर्ड पर अच्छा टोटल बना के टारगेट डिफेंड हो जाए, मतलब कि आज भी जो है बैटिंग फर्स्ट टीम जो करेगी वो मैच को जीतने वाली है। यदि हम दोस्तों बात करते हैं आगे टॉप परफॉर्मर की, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इस मुकाबले में आपको जिमी निशम, मेहंदी हसन, इसके बाद ग्लेन फिलिप और दोस्तों मार्क चैपमैन और यहाँ पे दोस्तों आपको मुस्तफिजुर रहमान के जो प्रदर्शन है काफी अच्छे देखने को मिल सकता है, मतलब कि जो टॉप परफॉर्मर है या कि हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन ड्रीम 11 टीम के लिए। चलिए बात करते हैं मैच विनर की, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि यदि आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें क्लिक करते ही टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओगे। इसी मैच में जैकपॉट एंट्री चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन हो जाइए। और करते हैं बात मैच विनर की, तो टॉस जीतेगा बांग्लादेश, लेकिन कहीं ना कहीं मैच विनर जो है वो हमारी टीम न्यूजीलैंड होने वाली है, यानी कि न्यूजीलैंड जीत सकती है सेकंड T20 मैच और सीरीज को 1-1 से बराबर करने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।